दोस्तों, अगर आप गौतम गंभीर की बातों से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको बता दें, गौतम गंभीर ने कल से होने वाले टेस्ट मैच के लिए अपनी राय रखी है कि किसका पलड़ा किस मैच में भारी हो सकता है। भारत के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ आगामी 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत की टीम को जीत को हकदार माना है। एक इंटरव्यू में गंभीर ने कहा कि इंग्लैंड के पास जो रूट, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और जेम्स एंडरसन जैसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट सीरीज को दिलचस्प बना सकते हैं। गंभीर ने टेस्ट सीरीज के विजेता को लेकर भविष्यवाणी नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे भविष्यवाणी करने से नफरत है क्योंकि ये एक खेल है और भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पहले 2 टेस्ट मैचों के भारत का पलड़ा भारी रहेगा। गंभीर ने इंटरव्यू में कहा कि टेस्ट सीरीज के दौरान स्पिन गेंदबाजी काफी अहम होने वाली है। दोनों टीमों के पास स्पिनर हैं, लेकिन भारत के पास अश्विन जैसे स्पिनर हैं जो दुनिया के बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए अश्विन की गेंदबाजी का सामना करना काफ़ी मुश्किल होगा। गंभीर ने आगे कहा कि भारत के पास कुलदीप यादव भी हैं जो टेस्ट सीरीज में अहम साबित हो सकते हैं। गंभीर ने कहा कि अक्षर पटेल पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम का हिस्सा हो सकते हैं, उन्हें टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। भारत के पास इंग्लैंड की तुलना में अनुभवी स्पिन आक्रमण है जो टेस्ट सीरीज के परिणाम को बदल सकता है।